हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्राइव डॉन और हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी मारुति सुजुकी वैगनार के 2019 में आने वाले नए जनरेशन मॉडल की, जो कि हुंडई सेंट्रो को टक्कर देने आ रहा है एक नए अवतार में। और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार के आने वाले नए जनरेशन मॉडल की, जिसको रिसेंटली रोड टेस्ट के दौरान देखा गया है। अभी रिसेंटली फोर्स गुरखा एक्सट्रीम के अनाउंसमेंट हुई थी और इधर महिंद्रा हरकत में आ गया है और इस गाड़ी को हमने रोड टेस्ट के दौरान देखा है। और आज अपनी इस वीडियो में हम इसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सब नया लेके आ रहा है महिंद्रा इसमें, और क्या ये फोर्स गुरखा एक्सट्रीम को टक्कर देने में कामयाब रह पाएगी, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है। और 2010 में लॉन्च होने के बाद अब इसकी स्पाई इमेजेस से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक बड़ा चेंज लेकर आने वाली है महिंद्रा। तो चलिए जानते हैं नई आने वाली महिंद्रा थार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, महिंद्रा थार को रिसेंटली स्पॉट किया गया है कोयंबटूर की सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए। हालांकि ये गाड़ी जो है वो पूरी तरह से कैमोफ्लेज स्टिकर से ढकी हुई थी, पर फिर भी देखते ही ये साफ समझ आ रहा है कि पहले से ज्यादा बड़ी और चौड़ी रहने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर आपको राउंड हेडलैम्प और 7 स्लिट ग्रिल मिलने वाला है। हालांकि इसके इंटीरियर को तो नहीं देख पा रहे हैं इन इमेजेस में, पर फिर भी लग रहा है जैसे बाहर एक मेजर अपग्रेड है, वैसे ही अंदर भी कुछ मेजर अपग्रेड जरूर मिलने वाला है, क्योंकि ये पूरा चेंज जो है वो इंटीरियर, एक्सटीरियर और डेफिनेटली इसके मैकेनिकल एरिया में भी आपको चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम इन इमेजेस में देख पा रहे हैं, इसमें एक टेस्टिंग डिवाइस भी देखा गया है जो कि गाड़ी के पीछे लगा हुआ है, और माना जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के नए एमिशन नॉर्म्स हैं, ये शायद उसको टेस्ट करने के लगा है और महिंद्रा इसको उस वे में भी अपग्रेड करने वाली है। इसके अलावा आपको गाड़ी के अंदर इन इमेज में हाई माउंटेड व्हील आर्क भी देखने को मिलेंगे। हालांकि इसके लॉन्च की या इसके प्राइस की कहीं कोई जानकारी नहीं है, पर फिर भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2019 के अंत तक या फिर 2020 के शुरुआत में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। देखिए, महिंद्रा जो है वो एक बहुत ही एग्रेसिव मूड में लग रही है और एक के बाद एक अपनी गाड़ियों को बेहतरीन तरीके से लॉन्च करती जा रही है और लोग भी उसको काफी पसंद कर रहे हैं। ये शुरुआत हुई थी मराजो से, उसके बाद अल्ट्यूराज, और अभी जो है उसने एक्सयूवी 300 का भी इवेंट करके लोगों को अपनी इस कार की झलक से दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हुंडई क्रेटा जो कि अभी तक सभी के दिलों पे राज कर रही थी, उसको एक भयंकर टक्कर मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा भी माना जा रहा है कि महिंद्रा थार में 2.2 लीटर एमहॉक वाला डीजल इंजन लगा मिलेगा, जो कि लेटेस्ट एमिशन नॉर्म्स पर खरा उतरेगा। और इस सब के अलावा ये भी माना जा रहा है कि ये नई महिंद्रा थार जो है वो फोर व्हील ड्राइव सिस्टम और इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन के साथ लॉन्च की जाएगी, और इसकी कीमत जो है वो कहीं ना कहीं 8 से 10 लाख रुपए के आसपास रखी जाएगी। क्योंकि रिसेंटली लॉन्च फोर्स गुरखा एक्सट्रीम की जो कीमत रखी गई है 13 लाख रुपए, उसको कहीं ना कहीं लोग ओवर प्राइस बता रहे हैं। ऐसे में महिंद्रा की ये गाड़ी जो कि ऑलरेडी लोगों की पहली पसंद है, ऐसे में इसका सही दाम रखना महिंद्रा को काफी बेनिफिट दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की क्या राय है इस आने वाली नई महिंद्रा थार के बारे में, वो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। बाकी हम आपको इस तरह की सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट रखेंगे। बस करना आपको ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं वो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम जल्दी वापस फिर मिलेंगे कार और बाइक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के साथ। और अब मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।